हेलो दोस्तों, वेलकम टू जगते गर्मी। इस वीडियो में हम लोग 3 अंकों का गुना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो गुना में हम क्या करते हैं कि नीचे की संख्या को ऊपर से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 2 से 20 तक का पारा, ठीक है, याद होना चाहिए, तभी आप गुना आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर 2 का पारा लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, 2 नमे 18, 2 धन 20, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 का ये पारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 को 3 से गुना करना, ठीक है। तो 1 को 3 से गुना करने पर 3 हो जाएगा। अब एक को क्या करना है, 5 से गुना करना है। तो एक को 5 से गुना करेंगे तो 1 पंचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। फिर एक को 2 से गुना करना है तो 1 दो ना 2 हो जाएगा। उसके बाद अब दहाई के अंक से गुना करेंगे, ठीक है। तो दहाई के अंक से गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर नहीं लिखना है, ठीक है, दहाई के स्थान पर ही लिखना है। तो 0 को अगर हम 1 से गुना करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब 0 को हम 1 से गुना कर लेंगे तो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये खाली स्थान रहेगा इकाई का अंक, क्यों, क्योंकि हम लोग दाही के अंक से गुना कर रहे हैं। फिर अब 0 को हम 3 से गुना करेंगे तो 0 को 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 को 5 से गुना करेंगे तो ये भी 0। फिर 0 को 2 से गुना करने पर ये भी 0। अब फिर ये 2 को 1 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम कितना होता है, 2 को 1 से गुना पर 2 एकम 2 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये खाली स्थान रहेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 एकम 2। फिर यहाँ पर देखिए 2 एक को 3 से गुना करना है, ठीक है। तो 2 को 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 को हमें 5 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 पंचे 10। तो हम लोग यहाँ पर 10 के 10 नहीं लिखेंगे, 10 के 0 लिखेंगे, ठीक है, 10 के 0 लिखेंगे। और ये जो 1 बच गया, इसको बगल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर अब यहाँ पर 2 को हमें 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करने पर 2 दुना कितना हो जाएगा, 4, और एक हासिल है इधर, तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। हम लोग भाग की क्रिया में क्या करते हैं, घटाते हैं, और गुणा क्रिया में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब इसको जोड़ देंगे, 1 में यहाँ पर कुछ नहीं जुटेगा तो 1 होगा। फिर यहाँ पर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0, सॉरी 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 3 के 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 में 0 जोड़ने पर 5, फिर 5 में 2 जोड़ने पर तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 में 0 को जोड़ना है तो 2 हो जाएगा, उसमें 6 जोड़ना है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर 5 में कुछ नहीं जुटेगा तो 5 ही हो जाएगा। और ये हो गया इस प्रकार से 3 अंकों का गुना। तो इस तरह से 3 अंकों का गुना बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, 705 को 205 से गुना करके इसका जो है जवाब आपको कमेंट में लिखना है।